इन दिनों वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी बिहार सरकार के कार्यों की निंदा करते दिख रहे हैं और हमलावर हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सब तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन के ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन में किसी प्रकार का तकरार, विवाद और टूट नहीं है। विरोधी विरोध करते हैं, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। मछुआरों की कई समस्याएं हैं, ज्यादा से ज्यादा डाक कर दी गई, मछुआरों के जीवन यापन की कठिनाई हो रही है, मछुआरों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, मछुआरों के हक को मारा गया, मछुआरों के हक के लिए पार्टी हाईकोर्ट में भी रीट याचिका करी है, तालाब का अतिक्रमण हो रहा है, हर हाल में मछुआरे जाति के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि कम पढ़े लिखे मछुआरे जाति के लोग सरकार के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। नदियों का ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़ा दिए जाने से मछुआरों को डाक का सामना करना पड़ता है और परेशानी होती है। हम सब अपने निषाद जाति को जागरूक करने में लगे हुए हैं, हम सब निषाद जाति के साथ जुड़े हुए हैं। दौरा प्रारंभ है, अब वीआईपी पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है और हम सब आगामी विधानसभा चुनाव में वो गलती नहीं करेंगे जो लोकसभा चुनाव में गलती हुई, और लोकसभा चुनाव की गलती से हम सब सीखते हैं, सीख मिली है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग नहीं हो सका, उम्मीदवार नहीं दे सकने के कारण भी हम लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी जिससे हम लोगों को नुकसान उठाना पड़े। हम सबों के गार्जियन जीतन राम मांझी जी हैं और जीतन राम मांझी जी ने कसम खाया है कि जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तब तक हम राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। हम पार्टी के प्रमुख हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था और बड़े ही अपमानित करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें उतार दी गई थी और नीतीश कुमार ने उन्हें अपमानित किया था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने जीतन राम मांझी को सम्मान दिया और उन्हें महागठबंधन में एक गार्जियन की भूमिका में रखकर उन्हें सम्मानित करने काम किया और कई लोकसभा के चुनाव के दरमियान में उन्होंने भाषण में कई सभाओं में किया कि मैं राजनीति संन्यास से तब लूंगा जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो इसलिए कहीं कोई विवाद और टूट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपने दल का विस्तार कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, सारे लोग एक मंच पर हैं, एक साथ महागठबंधन में हैं और भी जो भाजपा विरोधी पार्टी के लोग हैं अगर चाहें तो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हम लोगों की आस्था तेजस्वी यादव के साथ है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हम सब महागठबंधन के लोग आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहीं कोई शक, सुबह शंका की बात नहीं है। बिहार सरकार का कार्य गरीब के विरोध में होता है, जनता के विरोध में होता है। गरीबों मजदूरों के लिए सरकार किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करती है, दमनात्मक कार्य करती है। इसलिए हम सब बिहार सरकार के किए कार्यों का सदा विरोध करते रहेंगे, करते हैं, करते थे। मुकेश सहनी जो झाड़ू और लड़ाकू एक नेता हैं, जो अपने पार्टी के विकास के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए सघन दौरा कर अपने निषाद जाति को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, प्रयासरत हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।